Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is web technology for BCA 6th semester. And students, today our the most important topic software requirement for internet. Okay students, ये आज हमारा topic है कि भी ऐसे कौन से software हैं जो हमारे internet के लिए requirement उनकी होती है internet को operate करने के लिए. Okay students, तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने वेब टेक्नोलॉजी BCA 6th सेमेस्टर में हमने जो है इससे पहले एप्लीकेशन गेटवे यानी प्रॉक्सी सर्वर जो हमारा फायरवॉल का जो सेकंड टाइप था वो हमने YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किया. पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और एप्लीकेशन गेटवे यानी प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल ये हमने जो है YouTube पर इससे पहले हमने ऑनलाइन कंप्लीट किया वेब टेक्नोलॉजी BCA 6th सेमेस्टर में. और स्टूडेंट आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट. ओके स्टूडेंट, देखिए इंटरनेट यू नो इट वेरी वेल कि भाई इंटरनेट जो है अर्पानेट नाम की हमारा एक एजेंसी सी जिसको हम बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसने 1969 में जो है इंटरनेट का कॉन्सेप्ट दिया. और उसने जो है ये इंटरनेट जो है वो यानी डिफेंस के लिए ये लोग मतलब इस कंपनी ने जो है मिलिट्री ऑफ यूएस डिफेंस के लिए मतलब जो है ये इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया गया. और पहला प्रोटोकॉल यानी FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा पहली फाइल को जो है सेंड करा गया. तो उस समय जो है एक रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ इंटरनेट का. और इंटरनेट के द्वारा मतलब जो है एक जगह से दूसरी जगह डेटा को हम जो है भेजने लगे. लेकिन अब स्टूडेंट्स आज की डेट में इंटरनेट जो है वो ऐसी पावरफुल जो है टेक्निक हो गई है जिसके द्वारा हम इजीली डेटा को जो है एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं. जो है कई उसमें हम स्टूडेंट जो है कई सारे जो है सॉफ्टवेयर का हम जो यूज़ करते हैं इंटरनेट को ऑपरेट करने के लिए. जैसे पहला तो हमारा ब्राउज़र ही है. ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम इंटरनेट के प्लेटफॉर्म को रन करते हैं. जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, बेदू हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया. तो दीज आर द ब्राउजर विच इज ऑपरेट योर इंटरनेट. लेकिन अब और भी कुछ बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे इंटरनेट को ऑपरेट करते हैं. तो कौन कौन से स्टूडेंट, एप्लीकेशन सर्वर C++, DB2 यानी डेटाबेस 2, Delphi, DHTML, Java, Oracle, Visual Basic, UML, Wireless और XML. तो दीज आर द सॉफ्टवेयर विच इज वेरी यूजफुल व्हेन वी हैव टू कनेक्ट बाय द इंटरनेट. ओके स्टूडेंट, तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन सर्वर की बात करते हैं. एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है और ये कैसे यूजफुल है हमारे इंटरनेट के लिए. तो एप्लीकेशन इज ए सर्वर दैट होस्ट एप्लीकेशन. अब ये होस्ट एप्लीकेशन को मतलब जो है करता है एग्जीक्यूट. एप्लीकेशन सर्वर फ्रेमवर्क और सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन सर्वर. अब ये एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे बिल्डिंग एप्लीकेशन सर्वर को बनाता है. जैसे स्टूडेंट मैं बोल सकता हूँ अपाचे टॉमकैट जो कि एक सर्वर है. जब भी कभी हम कोई जावा एप्लीकेशन रन कराते हैं तो हम इस सर्वर का हम यूज करते हैं. एन एप्लीकेशन सर्वर फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स बोथ फैसिलिटीज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर सर्वर एनवायरनमेंट. ठीक है, वेब एप्लीकेशन को भी करता है और सर्वर एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कराता है फॉर टू रन देम. उनको मतलब वेब एप्लीकेशन को और सर्वर यानी कि सर्वर को रन कराने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसको हम एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं. जैसे कि टॉमकैट इज एप्लीकेशन सर्वर फॉर जावा वेब एप्लीकेशन. जावा वेब एप्लीकेशन के लिए हम टॉमकैट नाम का जो है सर्वर हम यूज करते हैं. तो सर्वर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे इंटरनेट को ऑपरेट करने के लिए. फिर हमारा स्टूडेंट विजुअल बेसिक यूनिट वेरिएबल. विजुअल बेसिक स्टूडेंट एक ऐसी हम बोल सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लैंग्वेज है जो हमें स्टूडेंट बहुत ही अच्छा जो है लुक एंड फील प्रोवाइड कराती है. ताकि अब देखो स्टूडेंट जाहिर सी बात है भाई इंटरनेट पे बहुत सारे मतलब क्या नाम है जब हम वेबसाइट को जब हम डेवलप करते हैं तो वो जाहिर सी बात है स्टूडेंट वो वेबसाइट जो है वो एक WW जो हमारा कंसोर्ट जो उसको हम बोलते हैं W3C कंसोर्टियम उसको फॉलो करती है. और उसको फॉलो करने के लिए उसका जो है वेबसाइट का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना बहुत ज्यादा आवश्यक है. तो विजुअल बेसिक वो लैंग्वेज है जो हमारे इंटरनेट को सपोर्ट करती है. प्रोवाइड्स प्रॉमिंग एनवायरनमेंट विद द GUI टेक्नोलॉजीज एंड मॉडिफाई प्री सिलेक्टेड सेक्शन ऑफ कोड रिटन इन द बेसिक प्रॉमिंग लैंग्वेज. उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट Delphi मेथड की. जैसे स्टूडेंट इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन है वो हम जो है बाय टेक्स्ट है, बाय कॉलिंग है, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. आज की डेट में बहुत ही जो है बहुत ही हम कह सकते हैं एनहेंस जो है वो तरीके हो गए हैं कम्युनिकेशन जो है करने के. तो जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर होती जा रही हैं. तो Delphi इज ए स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक और मेथड ओरिजिनली डेवलप्ड एज ए सिस्टमेटिक इंटरेक्टिव फोरकास्टिंग मेथड विच रिलाइज ऑन ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. यस,
अब इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो डेल्फी मेथड के द्वारा जो है हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं इजिली। क्वेश्चनायर के द्वारा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो है हम उसको इजिली कर सकते हैं। दिस टेक्निक कैन ऑल्सो बी अडॉप्टेड फॉर यूज इन फेस टू फेस मीटिंग। फेस टू फेस मीटिंग में करना हो तो स्टूडेंट डेल्फी मेथड का टेक्निक यूज करते हैं। डेल्फी मेथड जो है वो इंटरनेट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, इसको जो है यूज किया जाता है। वायरलेस, यस। अब देखो स्टूडेंट आज की डेट में वायरलेस कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब वाईफाई का यूज करते हैं, वायरलेस फैसिलिटीज की फुल फॉर्म होती है जिसमें स्टूडेंट हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड उसको बनाते हैं। 63 कैरेक्टर तक लॉन्ग का हम पासवर्ड यूज कर सकते हैं अपने वायरलेस नेटवर्क को जो है सिक्योर करने के लिए। तो वायरलेस एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम है केबल्स का यूज ना करके जो है अपने इंटरनेट को ऑपरेट कर सकते हैं। इंटरनेट इनेबल्स वायरलेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाय रेडियो वेव्स के द्वारा ये जो है ऑपरेट होता है रादर देन वायर्स। तो इट इज वर्क ऑन रेडियो वेव्स रादर देन वायर्स ऑन ए पर्सन होम कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन मोबाइल फोन पे हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी हॉटस्पॉट्स एंड वायरलेस लैन आर आल्सो ऑप्शन फॉर वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये भी हमारे वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी के एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो है इंटरनेट के लिए। तो ये सारे के सारे जो मतलब दो स्टूडेंट क्या नाम है, अब जैसे लैन है लोकल एरिया नेटवर्क है तो उसका भी हम सॉफ्टवेयर जो है क्या नाम है हम जो है अपने सिस्टम में हम डालते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं वायरलेस का भी। तो स्टूडेंट जितने भी हम डिवाइस अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो उन सभी के जो है हम सॉफ्टवेयर जो है हम डालते हैं। मान लो प्रिंटर है तो प्रिंटर को भी हम जब इंटरनेट से सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो उसमें स्टूडेंट जो है प्रिंटर के ड्राइवर्स को हम इंस्टॉल करते हैं। जब भी कभी कोई माउस या कीबोर्ड सिस्टम से में हम लगाते हैं तो प्ले एंड प्लग इन ठीक है ना, यानी प्ले एंड प्लग इन स्टूडेंट एक ऐसे मतलब डिवाइस होते हैं जो जैसे ही हम उनको प्लग करते हैं वो तुरंत प्ले करने लगते हैं, है ना। तो वो मतलब सॉफ्टवेयर हमारे जो है होते हैं जो कि इंटरनेट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम बात करते हैं जावा की, ठीक है। तो स्टूडेंट जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज होता है जावा लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स को बनाने में। लेकिन अब जावा का यूज स्टूडेंट हम जो है इंटरनेट पर हम यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसको चेक करने के लिए जो स्टूडेंट जो है ज्यादातर हम जावा लैंग्वेज का ही हम यूज करते हैं। इट इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द इंटरनेट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम इज रिटन इन जावा वाज फॉर जावा। पहला इंटरनेट जो प्रोग्राम है, पहली जो एप्लीकेशन है इंटरनेट के लिए वो जावा में ही लिखी गई थी जो कि थी हमारी हॉट जावा। इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग java.net url एंड java.net.url कनेक्शन क्लासेस, ठीक है। इसके द्वारा हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करते हैं java.net.url या java.net.url कनेक्शन क्लासेस के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट हमने जो है मेनली 1 2 3 4 5 हमने जो है ये सॉफ्टवेयर जो है हमने ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में जो हमारा ये लेक्चर था उसमें 5 हमने ये डिस्कस कर लिए। बाकी के स्टूडेंट जो रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके लिए हमारा लेक्चर 1 था वेब टेक्नोलॉजी बीसीएस एक सेमेस्टर में, जिसमें स्टूडेंट हमने जो है एप्लीकेशन सर्वर विजुअल बेसिक डेल्फी वायरलेस और जावा ये हमने सॉफ्टवेयर हमने जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके इंटरनेट को ऑपरेट कराने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसको जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देख समय अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल के वीडियो लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे, इसे देख के आप नोट बना सके और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, बाकी के जो हमारे जो बचते हैं उसको हम जो नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 2 में हम कंप्लीट करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।